बस अब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब ब्रेक नहीं लेंगे क्योंकि अब यहाँ से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बताएगा चुनाव आयोग की कब तारीखें हैं पोलिंग की और क्या है नतीजे का दिन। थोड़ी देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। 2:49 इस वक्त हो रहे हैं, महज 10 मिनट बचते हैं और सबने अपनी अपनी जगह ले ली है। तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 3 बजे क्या क्या तैयारियां चुनाव आयोग की रही, कैसे उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे, किस तारीख पर पहुंचने के लिए जो उनकी पूरी तैयारी होती है उस पर वो डिटेल में जानकारी देंगे। कितने नए वोटर हमारे साथ जुड़े हैं, कितने यंगस्टर्स हैं, क्या क्या उन्होंने तैयारियां की, वो सब आएगा। देखिए वहाँ विज्ञान भवन में सब कुछ तैयारी, लोग भी पहुंच चुके हैं, पत्रकारों ने अपनी अपनी जगह ले ली है, नीरज भी वहां पर मौजूद है। नीरज, क्या दिख रहा है अभी? नीरज का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन ये देखिए आपको ऑडिटोरियम का की तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है और वो तमाम एड्स जागरूकता के जो इलेक्शन कमीशन की बड़ा बोरिंग सा बैकग्राउंड हो रहा करता था पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो वो भी अब ये अब बदल गया। विज्ञान भवन है साहब, विज्ञान भवन है साहब, ये उसमें वो तो पहले से बना हुआ है ना, ऐसा थोड़ी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खर्चा किया। देखिए, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी देखना है, खर्चा तो आप खूब करिए लेकिन क्या जो राशन है उसके लेने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए भी सतत प्रयास होने चाहिए। ये सब आपको बोलने का मौका मिलेगा चुनावों में, सब वही कौन से तरीके आनी है, पूरा मौका है, मुद्दा बनाइए, उसी का इंतजार कर रहे हैं हम। बस 8 मिनट और बचते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक एक रिमार्क जो है, चारों साथी जो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर अजय आलोक, दुष्यंत नागर जी, विवेक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अजीज खान, ये सब यहाँ पर लंबे अरसे से इस महाकवरेज में हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अजय आलोक, 8 मिनट का वक्त और उसके बाद तारीखों का ऐलान, अलग अलग फेजेज में, किन किन फेजेज में, सब कुछ चुनाव आयोग की तरफ से क्लैरिफाई क्लियर हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, ऐसे रुबिका जी हम आप देश के तमाम नागरिक मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इस पर्व का एक उत्साह अलग है, एक माहौल अलग है। और ये चुनाव क्या चीज़ का है? ये चुनाव विश्वास को सुदृढ़ करने का, विश्वास की नींव मजबूत जो हो चुकी है उस पर इमारत बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत को पूरा करने का लक्ष्य का चुनाव है और इसमें मुझे लगता है नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। सभी अपना प्रयास करें, सभी जनता के पास जाएं, सभी अपनी बातें बोलें, जनता जिसको परसीव करेगी, जनता जिसको मानेगी समझेगी, जनता उसके साथ रहेगी। और जनता जिसके साथ नहीं रहेगी वो सबको पता है, वो बाद में रोना ना रोए, कोई ईवीएम का रोना ना रोए, कोई अधिकारियों का रोना ना रोए, कोई एजेंसियों का रोना ना रोए, कोई अपने दुर्भावना का रोना ना रोए, तो कृपया रोइएगा मत। जीत चाहे हार में किंचित नहीं भयभीत में, अटल जी की वो कविता हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीत या हार में किंचित नहीं भयभीत में, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सबको स्वागत करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं अभी, चाहे वो विपक्ष की भावना से बैठे हुए हों, जनता की भावना अगर आपके साथ होगी तो आप साथ में रहेंगे, अगर जनता की भावना आपके साथ नहीं रहेगी आप कितना भी कुछ बोलिए कुछ नहीं होने वाला है। दुष्यंत जी, आप और गरीबी की भी बात हो रही थी, पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि 10 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग जो कि कम नहीं होता है, 1/4 आबादी हमारी लगभग, वो सर्वाधिक गरीब रेखा से बाहर निकली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी एजेंसीज हमारे देश की तारीफ कर रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी दर, जो बार बार बेरोजगारी कह रहे थे, घट के अपने न्यूनतम 3.1% पे आ चुकी है। तमाम आंकड़े जवाब दे रहे हैं कि राशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, वो आंकड़ा दे रहे हैं कि 25 करोड़। दुष्यंत नागर जी से मैं पूछता हूँ, मैं दुष्यंत नागर जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दुष्यंत जी, आपसे सवाल। रूबिका जी, मैं आपसे, दुष्यंत नागर जी से, आपके तमाम दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या 5 किलो अनाज देने से महीने भर का काम हो जाएगा किसी का भी? दुष्यंत नागर जी, क्या महीने भर में सिर्फ 5 किलो अनाज खाते हैं? नहीं, आप देखिए, ये संबल है, ये संबल है देश के नागरिकों को कि सरकार आपके लिए है, आपके साथ खड़ी है,
हाँ। और आपको छोड़ेगी नहीं, खड़ी इसलिए है ना क्योंकि कमी है। यही बात तो है कि हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो ही वजह है कि कैसे कर रहे हैं, आपको देना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जनता से कनेक्ट करने का एक मेथड है, अगर इंडेक्स इसीलिए 80 करोड़ लोगों से हम कनेक्ट कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों से आपको 8 लोग नहीं मिले तो ये हमारी परेशानी नहीं है। जो आंकड़ा है हंगर इंडेक्स का वो सही है। 5 मिनट बचे हैं ना, बस हम बहस तो करते रहेंगे, 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट। थोड़ा सा उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं। नाम तो मैंने लिया दुष्यंत भाई। नहीं, उन्होंने भी बोला कि भाई ये फूड वाली बात पे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। राइट टू फूड का कानून श्रीमती गांधी जी के नेतृत्व वाली जो सलाहकार परिषद थी उसने सुझाया, गवर्नमेंट ने यूपीए 2 ने उसको बनाया। सत्ता में आते ही सबसे पहले आदरणीय मोदी जी की सरकार ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज श्रेय लेना चाहते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम संबल दे रहे हैं। आपने कहा था भैया कि हम 2022 तक 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आलोक जी आप कितना पैसा दे रहे हैं, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। क्या बढ़ी हुई महंगाई से और जो दुश्वारियां किसान के समक्ष उपस्थित हैं 6,000 में क्या उसकी गरीबी दूर हो रही है? पर ये प्रश्न जनता के सामने खड़ा है, वो भी 3 टुकड़ों में दिया जाता है, वो भी तब दिया जाता है जब कहीं पे चुनाव होता है उससे एकदम पहले। तो ये सारी चीजें भी, ये मुद्दे देश के नागरिक को जानना जरूरी है कि उसे अपने मत का प्रयोग करने से पहले उसे तस्वीर होनी चाहिए। कुछ क्या है आपसे जी, देश में पर कैपिटा इनकम कितनी है? अभी आप बता दीजिए जीडीपी का कितना प्रतिशत लोन है देश पे, पहले पूछो यही सवाल। अरे भाई हम कह रहे हैं, हम ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होके बोला कि 1,76,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हो गई, 10 साल पहले की और चुनावी तारीखों का हो जाएगा ऐलान शंखनाद 2024 का। अजीज साहब जी, रूबिका जी, अभी मैं सुन रहा हूँ अजय आलोक जी कह रहे हैं हर हर काम पहली बार हुआ है, निश्चित तौर पर पहली बार हुआ है। मैं एडमिट करता हूं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इसको देखा है, 146 देशों की जो मॉनिटरिंग हुई है उसमें 2013 में, अजीज साहब आप मैं माफी चाह रही हूं इसलिए क्योंकि आप फुल फ्रेम चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर काटनी होगी अजीज भाई। अरे अब तो लंबा टाइम है ना हमारे पास बहस का, ये देखिए वो पल, अब सारे के सारे अधिकारियों ने अपनी अपनी कुर्सी ग्रहण कर ली है, अब यहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होगा और अंत होगा उस तारीख पर जब सरकार, नई सरकार का गठन होगा। यह इस वक्त नीतीश व्यास जी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, 3-4 मिनट का वक्त रहता है बस, और मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी जो नव नियुक्त चुनाव आयुक्त हैं दोनों बाकी, हाँ। वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर, और उनके डेप्यूटीज जो हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर अपनी सीट ले चुके हैं। बड़ी जगह इसलिए थी क्योंकि आज कोने कोने से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए पत्रकार पहुंचे हैं और अब बस इंतजार किया जा रहा है, सबने अपनी अपनी सीटें ले ली हैं। 2:57 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जी। बस महज 2-3 मिनट और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। जी अजीज साहब आप कुछ कह रहे थे। सर मैं सिर्फ यही बात कह रहा था कि आज ये तमाम अनाज लोगों को दे रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में देखें 2013 में 63 पोजीशन थी, आज 107वीं पोजीशन है, ये सब इसको क्लियरिफाई नहीं करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की क्या पोजीशन है, कृषि विकास दर की क्या पोजीशन है, किस कदर गिर करके आज 3.4% रह गया है जो 2014 में 5.1% था। आप कृषि को महत्व, तो आप ये सारे मुद्दे मजबूती से जनता तक क्यों नहीं ले जा पाते हैं? हम 3-4 घंटे से बार बार ये बात करें, आप मजबूती से जनता तक क्यों नहीं ले जा पाते हैं? आप अगर बार बार ये पूछो, आप बोल देते हैं मीडिया ये नहीं करता, मीडिया वो नहीं। अरे आप और कई राज्यों के चुनाव हुए जहां विपक्ष ने और या गैर बीजेपी पार्टियों ने बीजेपी को हराया भी है, वहीं से सीख ले लेते जी। सर सीख बिल्कुल ले लेते और लिया भी है सीख, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई शख्स गुमराह करने पे आ जाए जनता को, तो जनता को समझाना ये बहुत बड़ा काम है। आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म इनके पास है, पैसा है, ताकत है, और उस ताकत के आगे विपक्ष मजबूर है। अजीज भाई एक बात बता, लेकिन हमारे अभी साथ मैं अभी की बात कर लेती हूँ, एक अजय आलोक और आप तीन यहाँ पर मौजूद थे,
ज्यादा एयर टाइम बताइए किसे मिला? अगर एक भी शख्स अपनी बात रखने के लिए आया या उसने बात कहने की कोशिश की तो 1:3 वाला मुकाबला था, और वही इस वक्त दिखाई भी दे रहा है।